दिल्ली की हवा में प्रदूषण की एंट्री की सुगबुगाहट होते ही पॉल्यूशन कंट्रोल का मुद्दा चर्चा में आ गया है। दिल्ली सरकार ने प्रदूषण पर काबू करने के लिए मास्टर प्लान तैयार कर लिया है। तस्वीरें भले ही पुरानी हैं, लेकिन कहानी बदली नहीं है। सर्दियों की दस्तक से पहले पंजाब हरियाणा में पराली जलाने का काम शुरू हो गया है, लिहाजा दिल्ली की सरकार सतर्क हो गई। दिल्ली सरकार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी तैयारियों की जानकारी दी। सरकार ने पॉल्यूशन से निपटने के लिए 21 सूत्रीय एक्शन प्लान तैयार किया है। इस बार भी सबसे ज्यादा जोर ऑड इवन, वर्क फ्रॉम होम, आर्टिफिशियल रेन की तैयारी पर है। देखिए, आप आर्टिफिशियल रेन की, ऑड इवन की, इस तरह की पहलकदमी की जरूरत इमरजेंसी सिचुएशन में लगती है। यानी कि जब हम सीवियर प्लस देखते हैं, अगर 450 से 500 के आसपास अगर AQI का लेवल पहुंच रहा है, तो उसका मतलब क्या होता है कि हवा पूरी तरह बंद है और लेयर पैदा हो गई है। तो उसको तोड़ने के लिए ये आर्टिफिशियल रेन का जो है कदम जो है वो प्रभावी हो सकता है। सरकार ने जो एक्शन प्लान बनाया, उसके तहत 7 अक्टूबर से दिल्ली में एंटी डस्ट अभियान शुरू होगा। ड्रोन से पोल्यूशन वाले हॉटस्पॉट की निगरानी की जाएगी। कंस्ट्रक्शन कर्मचारियों को गाइडलाइंस पालन करने की ट्रेनिंग दी जाएगी। 85 मशीनों से दिल्ली की सड़कों की सफाई होगी। 500 मशीनों से पूरी दिल्ली में पानी का छिड़काव होगा। नवंबर दिसंबर में प्रदूषण बढ़ने पर दिन में 3 बार छिड़काव का प्लान है। हालांकि बीजेपी दिल्ली सरकार पर निशाना साध रही है। ये सब इनके बोगस एजेंडे हैं, क्योंकि इससे पहले भी इन्होंने टावर लगाया था। पंजाब में इनकी सरकार है, वहां पराली जल रही है, दिल्ली में पॉल्यूशन हो रहा है। तो आपका डबल स्टैंडर्ड जो है, आपकी योजनाओं पर लोगों का विश्वास बनता नहीं है। प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए इस बार भी दिल्ली में पटाखों पर बैन जारी रहेगा। ABP News आपको रखे आगे।